चलिए जी, हम कर रहे थे बेटा मियोसिस और मियोसिस वन वी आर डूइंग, वी हैव डन प्रोफेज वन। प्रोफेज वन में क्या हुआ था? एंड ऑफ प्रोफेज वन सेंट्रियोल्स, पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स है ये। यहाँ पे आप देख रहे हो दो सेंट्रियोल, दे आर अरेंज्ड एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। दीज आर एस्ट्रल रेज, ये बन जाती है प्रोफेज वन में। एंड क्रोमोसोम्स, आर स्प्रेड इन द होल साइटोप्लाज्म। दिस इज प्रोफेज वन, एंड ऑफ द प्रोफेज वन। Then there comes, this is metaphase one. ये stage हम दिखाएंगे metaphase one. वही centrioles, animal cells है, एस्टर अपरेटस, दीज आर स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स, द क्रोमोसोम्स, द क्रोमोसोम पेयर्स। These gets aligned these get aligned opposite to each other, the क्रोमोसोम pairs, pairs जैसे हमारे में 23 pairs होते हैं, they get aligned opposite to each other। आप यहाँ पे देख रहे हो प्रोफेज वन में अगर आपने देखा था तो वहां पे क्या हुआ था, देयर अकर्स क्रॉसिंग ओवर। इसकी सेगमेंट टूट के यहां चली गई थी और इसकी सेगमेंट टूट के यहां आ गई। ये अगर आप रिकॉर्डिंग देखोगे जरावर तो आपको पता चलेगी, हर क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती बट किसी किसी क्रोमोसोम में होती है और एक से ज्यादा जगह पर भी हो सकती। सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ टू मेटाफेजिक प्लेट्स, ये दो मेटाफेजिक प्लेट्स है। स्पिंडल फाइबर जरूरी नहीं कि सिर्फ इनके साथ अटैच होने के लिए ही है, देयर आर मेनी मोर स्पिंडल फाइबर। सो क्रोमोसोम पेयर्स दे गेट अरेंज्ड ऑपोजिट टू ईच अदर इन टू मेटाफेजिक प्लेट्स। मेटाफेज वन अगेन, सबसे पहले क्रोमोसोम्स आर मैक्सिमली coiled and condensed, ठीक है जी। These are distinct during metaphase one. Then second point है homologous chromosome pairs,
homologous chromosome pairs are arranged opposite to each other, forming two metaphysic pairs. इसी के साथ ही एक और पॉइंट लिख रही हूं. वन क्रोमोसोम इज अटैच्ड टू द स्पिंडल फाइबर ऑफ वन पोल एंड अदर क्रोमोसोम आपने पूरा लिखना है is attached to the opposite pole through another spindle fiber. ठीक है, ये हो रहा है मेटाफेज वन. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा देन कम्स हाँ जी गुड आफ्टरनून विभु रितुल हम बात कर रहे हैं बेटा मियोसिस वन की. ध्यान से पहले सुनना है फिर लिखना है. एनाफेज वन मेटाफेज में क्या हुआ है क्रोमोसोम पेयर्स एक दूसरे के ऑपोजिट अरेंज हो गए हैं एंड गेट्स अटैच विद द स्पिंडल फाइबर्स अलग अलग स्पिंडल फाइबर्स से अटैच. अब एनाफेज वन में क्या हुआ है shortening of spindle fibers. देखो अगर ये shorten होगा ये वाला fiber shorten होगा तो ये पूरा chromosome एक तरफ जाएगा ये shorten होगा तो ये एक तरफ चला जाएगा. No problem. Shortening of spindle fibers homologous chromosomes get separated and start moving towards opposite. ये अगेन जैसे मैंने बताया सेंट्रियोल्स स्पिंडल अपरेटर्स स्पिंडल फाइबर्स बहुत सारे हैं एक नहीं है बट जो स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम से अटैच थे वो छोटे हो गए एंड द होमोलोगस पेयर ये देखो एक ये है क्रोमोसोम दे गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड रीच ऑपोजिट पोल्स जैसे हमने माइटोसिस में किया था कि सेंट्रोमियर पहले चलते हैं फिर आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम मूव करती है ड्यू टू विच क्रोमोसोम्स गिव बेंड अपीयरेंस ये मुड़े हुए नजर आते हैं बिकॉज सेंट्रोमियर मूव्स फर्स्ट एंड देन द
arms of the queen. This is anaphase one, and then telophase one. This is telophase one. Beta, 1 minute. So this is telophase one. जैसे हमने माइटोसिस में किया था कि स्पिंडल डिसअपीयर्स, एस्टर, एस्टर अभी है यहाँ पे, एस्टर रहेगा, ठीक है, बट स्पिंडल डिसअपीयर्स, रीअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, reappearance of nucleolus, the chromosomes, they get elongated. Chromosomes uncoil and get elongated. यहाँ पे था parent cell में भी और यहाँ पर भी 2L is equal to 4. यहाँ पे telophase में क्या हुआ है? Spindle disappear. Chromosomes uncoil, nucleolus and nuclear membrane reappears. Each nucleus has, यहाँ पे क्या है, n is equal to 2. ये था 2n is equal to 4. अब एक दो, हर एक में दो दो क्रोमोसोम्स रह गए, n is equal to 2, that is half the number of chromosomes as compared to parent cell. So this is telophase one. Is it okay? ठीक है, ये है meiosis one. मैंने अभी आपको बताया था कि अभी भी यहाँ पे अगर ये देखें, हर क्रोमोसोम की दो दो क्रोमेटिड है, जबकि नॉर्मल सेल में एक क्रोमोसोम की एक ही क्रोमेटिड. क्रोमोसोम नंबर तो आधे हो गए हैं, बट डीएनए कंटेंट अभी आधा नहीं हुआ है meiosis one. That is why meiosis two occurs. ठीक है, अगेन दिस इज प्रोफेज वन. ये जो है, ये स्टेज है एंड ऑफ प्रोफेज वन. ये मेटाफेज वन, एनाफेज वन, टेलोफेज वन. बनाओ ये और लिख भी लो. तो हाउ meiosis one इज डिफरेंट फ्रॉम माइटोसिस, शुरू से देखते हैं कि सबसे पहले तो कि माइटोसिस में कोई साइनेप्सिस, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है, जबकि मियोसिस वन में. दूसरी बात, इन माइटोसिस ऑल द क्रोमोसोम्स तो यही है, ऑल द क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड इन सिंगल मेटाफेजिक फेज, वेयर एज इन मियोसिस वन द क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड इन टू मेटाफेजिक फेज. इन माइटोसिस the centromere breaks, the sister chromatids get separated from each other. In meiosis one, there occurs separation of homologous chromosomes. No separation, no breaking of centromere. In mitosis, the after you can say, yeah, in telophase, each nucleus has same number of chromosomes
सेम डीएनए कंटेंट एज दैट ऑफ पेरेंट सेल बट इन मेयोसिस वन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर रिड्यूस्ड टू हाफ एज कंपेयर टू पेरेंट्स. ठीक है, लिखो अब जरा, खुद लिखो डिफरेंस इन, लिखिए जरा जल्दी से डिफरेंस इन माइटोसिस एंड मेयोसिस वन. एक एक करके मैंने सबसे पूछना है, चार मैंने बताया, चारों पूछूंगी. आप लिखो जरा पहले खुद. These are the differences between meiosis one and mitosis. तो यहाँ पे next एक और star डाल के point लिखिए. In meiosis one, the chromosome number एक. तो मैंने क्या बताया कि इन मियोसिस वन द क्रोमोसोम नंबर गेट्स रिड्यूस टू हाफ, देयरफॉर मियोसिस वन इज कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन. लिख लो साथ, चार डाल के पॉइंट लिख लेना. इन मियोसिस वन एज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स are reduced to half, therefore it is called as reductional division. ठीक है जी, next हम आ जाते हैं interkinesis. What is interkinesis? Interkinesis is a short interval between meiosis one and meiosis two. It is a short interval between meiosis one and meiosis two. There is no interphase or replication of DNA in interkinesis. सिर्फ एक छोटा सा resting phase है, otherwise कुछ भी नहीं होता इसमें कि cytoplasm बने या कुछ, ऐसा कोई change नहीं होता. This is only a small resting phase. ठीक है, और यहाँ पे लिख लेना, ये जो है n is equal to 2 है, ये भी n is equal to 2 है. And then we come to meiosis 2. तो पहले हम आ जाते हैं meiosis two, also called as mitotic meiosis. Because it is like mitosis. अभी हम आपको बताएंगे. ठीक है, mitotic meiosis is meiosis two. यहां पे क्या है, वही प्रोफेस टू. क्या क्या चेंजेस है, कोइलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स या शॉर्टनिंग ऑफ या कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, disappearance of nuclear membrane, आपने पूरा लिखना है, and nucleolus. Formation of ester. अब जो एक सेंट्रियोल एक तरफ था
वो इधर चला गया और दूसरा इधर चला गया ऊपर से, और ऐसे ही यहाँ पे हो गया। अब इस तरह से होगा, ये एस्टर बन गया। क्रोमोसोम्स, छोटे हो गए, विद देयर सिस्टर क्रोमेटिड्स, उसके बाद आ जाता है मेटाफेज टू। फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल, राइट, the chromosomes are arranged in single metaphasic plate, spindle fibers gets attached with their centromere. यहाँ पे आपको पता ही है काइनेटोकोर, बाकी तो स्पिंडल फाइबर्स है। इसी तरह से ये एस्टर भी है, ये स्पिंडल, दिस इज मेटाफेज टू। आखिरी बार लिखूं, दिस इज माइटोसिस होती है, वैसे ही है, मैं थोड़ा सा ऊपर बना रही हूं। अब है एनाफेज टू, the chromosomal fibers, they shorten, the centromere breaks from the center, sister chromatids get separated from each other, and start moving towards the opposite poles. ये स्पिंडल फाइबर्स, दिस इज एनाफेज टू, और फिर
टीलोफेज टू स्पिंडल एस्ट्रल रेज दे डिसअपियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस reappears the chromosomes they gets uncoiled and now four nuclei are formed. And you can see each nucleus has half the number of yahan par bhi n is equal to 2 DNA content 2 picograms ek ek hi hai ye ek picogram ek ye 2 picograms har ek nucleus so this is telophase 2 and then there comes cytokinesis that is division of cytoplasm by furrowing agar hum dekhe This is nucleus, centriole और अंदर सही है ये यहां से करेगा ये यहां से करेगा अल्टीमेटली फोर सेल्स आर इज इट राइट सो दिस इज मियोसिस ठीक है बनाओ ये जल्दी से एक बार और बताऊं ब्रीफ में दोबारा से ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो कि मियोसिस क्या चीज है क्रोमोसोम्स के बारे में मैं बेसिकली बात कर रही हूं ये पेरेंट सेल है One chromosome, another is second chromosome. इसका homologue present होगा और इसका भी homologue present. फिर आया I phase, interphase. यहाँ पे एक pair है centrioles का centrosome. इंटरफेस में सेंट्रियोल्स डबल हो गए हर क्रोमोसोम ने अपनी एक सिस्टर क्रोमेटिड यहां पे अगर हम देखा जाए तो क्रोमोसोम्स कितने हैं 2n इज इक्वल टू 4 अगर हर क्रोमोसोम का वेट 1 पिकोग्राम है तो डीएनए कंटेंट कितना है 4 पिकोग्राम यहां पे डीएनए डबल हो रहा है क्रोमोसोम उतने ही है क्योंकि ये भी हम एक ही क्रोमोसोम लेते हैं बट डीएनए कंटेंट डबल हो रहा है तो क्रोमोसोम्स है वही 2n इज इक्वल टू 4 बट डीएनए कंटेंट इज 8 पिकोग्राम्स
मियोसिस वन में व्हाट हैपेंस, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, एक ये था और इसका होमोलोगस ये था, ये दोनों अलग अलग हो गए। ऐसे भी एक ये है और इसका होमोलोग यहां चला गया। दिस इज मियोसिस वन। इसके बाद दो पैसेजेस होते हैं, आइदर साइटोकाइनेसिस और मियोसिस टू। अगर साइटोकाइनेसिस हो गई तो यहां पे दो सेल्स बन जाएंगे, ये दोनों अलग अलग हो गए और एक में एक न्यूक्लियस है या तो साइटोकाइनेसिस पहले हो गई। हर न्यूक्लियस में एन इज इक्वल टू टू, डीएनए इज इक्वल टू फोर टू, या फिर मियोसिस टू हुई। साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, मियोसिस टू हो गई, चार न्यूक्लियाई बन गए, दो इसने बनाए दो इसने बनाए, क्या अलग हुआ, सिस्टर क्रोमेटिड्स। और फिर इसमें व्हाट हैपेंस, देयर इज साइमल्टेनियस साइटोकाइनेसिस। आपने पूरा लिखना है, साइमल्टेनियस मीन्स चारों सेल्स एक साथ डिवाइड करेंगे, जैसे हमने वो दिखाया। And the result say formation of four cells मैं ज्यादा नहीं दिखा रही, but हर cell में n is equal to two, डीएनए भी टू पिकोग्राम्स हो गए, ये आपको पता चलता है। ठीक है जी, अब यहाँ पे ऊपर क्या हो रहा है, देन दे अंडरगो मियोसिस टू। इस वाले सेल ने मियोसिस टू पूरा, दो न्यूक्लियस बनाए। Likewise, second cell में भी इसने भी दो न्यूक्लियस बनाए, इसने भी दो बनाए। ठीक है,
अल्टीमेटली दोनों में साइटोकाइनेसिस हुई एंड रिजल्ट इज सेम. बट ये साइटोकाइनेसिस कैसी हो रही है? दिस इज सक्सेसिव साइटोकाइनेसिस. तो बेटा पहले ये जगह छोड़ दो, एक पेज छोड़ दो जिसपे ये बनाना. अगले पेज पे देखो, इन मियोसिस, राइट डाउन फर्स्ट फिर ये बनाना. इन मियोसिस देयर अकर्स, देयर मे अकर आइदर ऑफ द टू टाइप ऑफ साइटोकाइनेसिस, आइदर ऑफ द टू टाइप ऑफ साइटोकाइनेसिस. फर्स्ट है साइमल्टेनियस साइटोकाइनेसिस. फर्स्ट इज साइमल्टेनियस साइटोकाइनेसिस इन विच साइटोकाइनेसिस अकर्स ओनली आफ्टर मियोसिस टू. इन विच साइटोकाइनेसिस ओनली अकर्स आफ्टर मियोसिस टू. सेकेंड लिख लीजिए, सक्सेसिव साइटोकाइनेसिस In which first cytokinesis occurs after meiosis one, and the second cytokinesis occurs after meiosis two. Second cytokinesis occurs after meiosis two. So these are the two type of cytokines. ठीक है जी. Significance of meiosis मैंने आपको बता दिया था. दो main type की meiosis, that is gametic meiosis, zygotic meiosis, वो भी मैंने, एक sporic meiosis भी होती है, वो हम बाद में बात करेंगे अभी. So gametic and zygotic meiosis are the two. ठीक है जी, बनाओ ये.